पड़नगर तहसील में पिछले 8 वर्ष से ध्वज अभियान समिति संस्था के द्वारा गुड़ी पड़वा पर उत्सव स्वरूप में नववर्ष मनाया जाता है। उज्जैन के बड़नगर तहसील में पिछले 3 वर्ष से प्रति वर्ष गुड़ी पड़वा पर नववर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ध्वज अभियान समिति संस्था के कार्यकारिणी मेंबर और पदाधिकारियों का मानना है और कहना है कि भारतीय हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा की प्राचीनता को सबको जानना चाहिए और सबको समझना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि साधु साधक और पूर्वज गुड़ी पड़वा को प्राचीनता महत्व और सम्मान के साथ इस नववर्ष शुरुआत के दिन मनाते थे। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर नववर्ष का शुभारंभ गुड़ी पड़वा पर होता था। हम सबको भी गुड़ी पड़वा नववर्ष शुभारंभ होते ही विधि विधान के साथ मनाना चाहिए और एक उत्सव की तरह अपनों के बीच रहकर नववर्ष गुड़ी पड़वा को मनाना चाहिए। धार्मिक पूजनीय स्थल मंदिरों में भी ध्वज पूजा अर्चना आरती करना चाहिए, जिससे हमारे ऋषि मुनि साधु और पूर्वज नववर्ष गुड़ी पड़वा को मनाते थे। उसी को लेकर ध्वज अभियान समिति संस्था के कार्यकारिणी मेंबर पदाधिकारी बड़नगर तहसील के तमाम गांव और मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों में ध्वज लगा रहे हैं एवं लोगों को गुड़ी पड़वा पर नववर्ष का महत्व समझा रहे हैं। दशकों से हमारे पूर्वजों ने हिंदू समाज के कई योद्धाओं ने आहुतियां दी हैं और वो भगवा ध्वज गुड़ी पड़वा पे, चूंकि साल हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा प्रारंभ होने वाला है, उस भगवा ध्वज की हम पूजा करें और हमारे नववर्ष की शुरुआत अगर उससे करेंगे तो निश्चित ही पूरा साल अच्छा रहेगा, सभी सुखी और संपन्न रहेंगे। इसीलिए भगवा ध्वज की पूजा करके और घर घर हम आह्वान कर रहे हैं कि भगवा ध्वज लगाएं, भगवा ध्वज की पूजा करें और साथ ही पूरे दिन उस दिन गुड़ी पड़वा के दिन भगवा ध्वज की पूजा कर मंदिर के ऊपर स्थापना करने के बाद घर घर भी स्थापना भगवा ध्वज लगाएं और साथ ही भजन कीर्तन अच्छा सुंदरकांड का आयोजन करवाएं, साथ ही नववर्ष की शुभकामनाएं परिवार में जाकर दें और एक अच्छा वातावरण शुरुआत में अगर बना तो पूरा साल अच्छा नहीं। मतलब एक्चुअली साधु संत या महात्मा हमारे पूर्वज भी गुड़ी पड़वा और जो हमारे जो ध्वज हैं इन्हीं को मानते थे और पहले सारी आपदा भी हमारे नव वर्ष को विधि विधान से मानते हैं, तो किस प्रकार से फायदे रहते हैं और किस प्रकार से क्या रहता है? आपको ने बताया अभी, फायदा तो रहते हैं घर में अपना। किस प्रकार से गुड़ी पड़वा नया वर्ष हमको इस प्रकार से मनाना चाहिए, जैसे हम विदेशी की जो नई उस पद्धति को मनाते हैं उसको ना मनाते हुए हमारी जो पुरानी पद्धति है उसको मनाते तो कैसा फायदा रहेगा? अच्छा फायदा मिलेगा, इससे सलाह मिलेगा, अपने लोग अपने आने वाले पीछे भी समझेगी इनको कि इस मार्ग पर अपने को चलना चाहिए, गुड़ी पड़वा के दिन अपने को नए साल मनाना चाहिए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।